तिजोरियों के मुंह नहीं खोल रहे। इसके लिए भी हमें बैरूनी मदद चाहिए, ये टेंटों के लिए, ये मॉस्किटो के लिए। दुनिया के कई मुल्क हैं जी जहाँ पर खतरनाक बारिशें होती हैं, जी पानी निकल जाता है, उसके रास्ते बना दिए गए, उसके रास्ते अभी हाल में बने, ये नहीं कि अल्लाह मेरे बना के भेजे हो, हमें तो अल्लाह ताला ने रास्ते दिए बनाकर, बिल्कुल हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। ये लेकिन इन हुकूमतों को चाबक मार के खड़ा करना है भाई, आपका काम है, आप करें, आज से शुरू करें। तो दोस्तों ये छोटा सा क्लिप आपने देखा, यहाँ पर पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, भैया बाढ़ आने के बाद जो सिचुएशन बनती है, जो टेंट, जो मच्छर मारने के लिए दबाई, क्या उसके लिए भी हमें बाहर से मदद चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान, सिंध और बहुत सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद बाढ़ आई है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। आबादियों को मलियामेट कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोग घरों से महरूम हो चुके हैं। इसके अलावा सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल खत्म हो रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन इंतहाई मुश्किल हालात से दोचार हैं। सवाल यह है कि क्या सियासी जमातें सियासत छोड़कर मुतासरीन के लिए भी कुछ करेंगी? ये हो क्या रहा है? देखिए, अगर मैं एक सादा सी बात करूं तो 60% पाकिस्तान जेर आब है, 60%, जो 40% है मुतासर है, और बहुत बुरी तरह मुतासर है, क्योंकि जो नकल मकानी हो रही है वो उस तरफ हो रही है। लेकिन मसला ये है कि नकल मकानी का भी रास्ता नहीं बच रहा। आप बलूचिस्तान को तो लोग भूल गए ना, हरफे गलत की तरह मिटा दिया गया, और मौसम ने और सैलाब ने और बारिशों ने भी उसको मिटा दिया, वहाँ कुछ नहीं बचा है। वहाँ जो टीले हैं उन पर लोग बैठे हुए हैं, और कुछ ने प्लास्टिक ऊपर ली हुई है, किसने प्लास्टिक की टोपी ओढ़ ली है, शायद उससे कोई बच जाए। खाना उनके पास नहीं, पीना उनके पास नहीं, इमदाद उनके पास नहीं। अब चाइना ने कुछ टेंट वगैरह भेजे हैं, पता करें वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बलूचिस्तान में। सिंध की सूरत हाल और ख़राब है, और ख़राब होगी, अल्लाह न करे ख़राब हो, लेकिन जो मौसम बता रहा है कि और बारिशें होंगी, और बारिशों को ही छोड़ दें आप, अगर बारिशें आज ख़त्म हो जाएँ सिंध में, तो सिंध में सैलाब आएगा। जो पीछे से पानी आ रहा है मुख्तलिफ दरियाओं से, वो इंडस दरियाए सिंध में आएगा, और दरियाए सिंध का पानी दरियाए पूरे सिंध से गुजर के समुंदर तक पहुंचता है। इस वक्त कोटी बैराज जो है हमारा, सक्कर बैराज, वो पूरा चल रहा है, भरपूर चल रहा है। हमारा एक डैम है द्रावट, जो सामने 2012 में बनाया था, पहली बार पूरा वो भराया। वो जब वो भर गया को 370 मीटर का है वो, तो फिर बाकी हालात आप देख लें क्या हो सकते हैं। हालत ये है कि लोगों को पहुंचने की जो इमदादी टीम है उनको पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, हेलीकॉप्टर बहुत कम है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने ये तय किया कि पूरी कोशिश की जाएगी कि लोगों तक पहुंचा जाए, उनको हर फर्द तक पहुंचा जाए। असल जुमला ये है कि हर फर्द तक पहुंचा जाए, हर फर्द तक कैसे पहुंचेंगे आप? शायद ये काम फौजी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और हम हैं कि लगे हुए कि सिंध में ये नहीं हुआ, पंजाब में ये नहीं हुआ, बलूचिस्तान में ये नहीं हुआ, मैं जाऊंगा देख लूंगा। सब लंतरानी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुछ एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। सही, बिल्कुल, सभी अपना अपना मंजन बेच रहे हैं, हम देख रहे हैं। वैसे अब क्या होना ये नहीं चाहिए था कि तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाती और रिलीफ के लिए सियासतदान खुद मैदान में उतरते, ताकि आवाम को जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनको ये लगता कि रियासत का हाथ उनके सर पर है। यानी सबको मिलकर बैठने की जरूरत है। टीएलपी और जमात इस्लामी का काम जो मेरे कानों में पड़ रहा है वहां पर आ रहा है। फिर आप कहते हैं कि जी इंतहा पसंद जमातें और मजहबी जमातें अपना रास्ता बना रही हैं, वैक्यूम आप क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं। बट इस वक्त अगर आपने कौम मुत्तहिद नहीं हुई, इस वक्त आप मुत्तहिद नहीं हुए, तो फिर बहुत कुछ खोएंगे, क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं, आने वाला मुस्तकबिल तबाह है। ये एक जरई मुल्क है, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ
खोया है हमने इस तूफानी बारिश और सैलाब और शायद इन्हीं मिसप्लेस प्रायोरिटीज का जो हम आज भुगत भी रहे हैं उसी वजह से। मुखय्यर हजरात से तो सियासतदान अपीलें कर रहे हैं, लेकिन ये मुखय्यर सियासतदान खुद क्यों अपनी तिजोरियों के मुंह नहीं खोल रहे? हमने अभी तक तो नहीं सुना कि आसिफ जरदारी ने $1,00,000 निकाल दिए, नवाज शरीफ ने तिजोरी का मुंह खोल दिया, या इमरान खान साहब जो है उन्होंने इतने करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया, क्यों? देखें शाइस्ता, बेइज्जती की इंतहा है। यू कैनॉट इमेजिन के सिंध का क्या हाल है और बलूचिस्तान का क्या हाल है। सबसे पहले लोग लिटरली उनके 90% जो घर है ना कच्चे, वो सब खत्म हो गए हैं। मुझे नहायत अफसोस है कि ये हमारे पॉलिटिशियंस ये जो बात कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, वेरी देयर मनी, और इनकी हुकूमत का पैसा क्या है जो ये वेस्ट करते हैं, लूटते हैं। आज खुदा के लिए आज निकाल लें। इस वक्त सबसे खतरनाक सिचुएशन है कि आपकी कॉटन पूरी सिंध में खत्म, उसके बाद आपका चावल 70% राइस क्रॉप गॉन, थर्ड आपकी ये पानी 1-2 महीने तक नहीं जाएगा, मींस कि आपकी जो वीट क्रॉप है वो भी काफी हद तक दबाव देगी। थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ और नेक्स्ट साल के लिए क्या होना है, हमें ये सोचने की बात है। नोबडी इज पुश्ड, ऑपोजिशन गवर्नमेंट ओनली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और वो ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। क्यों पहले तैयारी नहीं की जाती हुकूमतों की जानिब से, और क्यों कोई भी हुकूमत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती है? बट ये फायर फाइटिंग है कि पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान में, 8-10 साल से, और एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। ये बात आपकी ठीक है, इसके लिए भी हमें बैरूनी मदद चाहिए, ये टेंटों के लिए, ये मॉस्किटो के लिए, ये आवाम को, इसके लिए भी हमें बैरूनी मदद चाहिए, ये टेंटों के लिए, ये मॉस्किटो के लिए, ये वाटर टैंक के लिए। इतना तो मेरा मतलब है, ये सूबाई हुकूमतें, ये मरकजी हुकूमतें खुद भी कर सकती हैं अगर सर जोड़कर बैठ जाएं। जिनका काम है वो करने को तैयार नहीं, और हम जिम्मेदारी इधर उधर डालने को बड़ा तैयार हैं कि जी मुखय्यर हजरात नहीं आ रहे, डोनर्स नहीं आ रहे। भाई वो बाद में आएंगे, पहले हुकूमत अपना काम करेगी। करेगा कौन? कि हमें सब तरफ देखना चाहिए, लेकिन इन हुकूमतों को चाबक मार के खड़ा करना है। भाई आपका काम है, आप करें, आज से शुरू करें। आप बैठे रहेंगे तो कौन शुरू करेगा? ठीक है। दुनिया के कई मुल्क हैं जहां पर खतरनाक बारिशें होती हैं, वो पानी निकल जाता है, उसके रास्ते बना दिए गए, उसके रास्ते अभी हाल में बने। ये नहीं कि अल्लाह मेरे बना के भेजे हो, हमें तो अल्लाह ताला ने रास्ते दिए बनाकर, बिल्कुल हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। अब तो ये है कि यार रोटी दे दो उसको, सुबह का नाश्ता पहुंचा दो, एक जोड़ी कपड़े दे दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तान में बाढ़ के हालात हैं, फ्लड आ रहे हैं, और ये रीज़न भारत में भी कॉमन है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है जब बारिश का मौसम जाना चाहिए तब हो रही है बारिश, स्टार्टिंग में जब बारिश होनी चाहिए तब हुई नहीं। हालांकि स्टार्टिंग में भी होती तो फ्लड आते ही। भारत में भी बहुत जगह ऐसे हालात हुए, आपको पता होगा, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम वगैरह में तो बहुत पहले सीन हो चुका था, वहाँ तो ऑलरेडी हमेशा से ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है कि अगर पानी गिरता है तो ऑब्वियसली अब लोगों ने ना तालाब छोड़े हैं, ना नदियों की इतनी चौड़ाई रह गई है, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है, तो ये सीन तो होंगे। इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। भारत में भी ये सीन होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, भारत में उतने हो नहीं रहे क्योंकि भारत में डैम बने हैं और बारिश पहले से मतलब मौसम कंट्रोल ये वो करके थोड़ा थोड़ा डैम से पानी छोड़ के किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद होते हैं क्योंकि भारत में भी आबादी बहुत ज़्यादा है। अब आपने पूरे, आपको याद होगा आपके सिटीज़ में पहले कितने तालाब होते थे, अब वो तालाब हटकर वहाँ पर मॉल बन गए हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं, तो भाई जो पानी स्टोर होता था वो तो सीधा आएगा, बहेगा, तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम इन फ्यूचर भारत में होंगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है आबादी, बिल्कुल अनकंट्रोल तरीके से जो आबादी बढ़ रही है, तो ये सीन होंगे। हालांकि ऐसा है कि ये सीन US में भी होते हैं, ये सीन दुनिया के हर जगह होते हैं। US में ऐसा नहीं है कि कई शहर तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर ये सीन हो जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। चीन में काफ़ी होते हैं, तो ये होगा जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ जहाँ एक प्लानिंग के तहत
आबादी को बसाया नहीं है तो ये होंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पर आपको पता है प्लानिंग के तहत आबादी को कितना बसाया गया और अनप्लान्ड तरीके से कितने लोग बसे हुए, जिसको जहाँ मन खेत में रह रहा है वहीं पे कॉलोनी बन गई, वहीं पर रहने लगे, फिर बाद में परमिशन ले ली किसी तरीके से। ये सब यहाँ पे बहुत आसानी से होता है, तो ये होंगे आपका।